हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू आज हम बात करेंगे सेक्शन टेन और सेक्शन एलेवन की सेक्शन टेन में आपके बात किया जाता है कॉन्स्परेटर के बारे में कॉन्सपिरीटर uh, कहने का ये मतलब है कि किसी भी क्राइम uh, में अगर कॉन्स्पेरेसी का सिचुएशन uh, है प्राइमा फेसी अगर ये एविडेंस दिया गया है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्स्परेसी कॉन्स्पेरेसी मीनिंग वॉट कॉन्स्पेरेसी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन वन ए ऑफ इंडियन पिनल कोड तो उस कॉन्स्परेसी या कॉमन डिज़ाइन के बारे में आफ्टर द इंटेंशन एंड आफ्टर द अग्रीमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड बिटवीन द पार्टीज अग्रीमेंट फॉर्म किया जा चुका है और कॉन्सपरेसी से रिलेटेड चीज़ फेसी प्रूव की जा चुकी है तो उस रिलेशन में अगर कोई ओवर्ट uh, एक्ट कोई एक्ट या फिर कोई रेलिवेंट फैक्ट विच इज़ कनेक्टेड टू द कॉन्स्परेटर कुड बी सेट टू बी रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन टेन तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है जो कि प्रूफ किया जाना चाहिए सेक्शन टेन के अंतर्गत वो आता है कि प्राइमा फेसी जो है प्राइमा फेसी कोर्ट को ये प्रूफ कोर्ट के पास कि ये प्रूफ आना चाहिए कि देर इज अ कॉन्स्पिरेसी देर इज अंस्पिरेसी एंड थिंग्स सेड थिंग्स सेड और डन by the conspirator by the conspirator in furtherance of common design in furtherance of common design ठीक है तो इसको हम relevant fact मानते हैं आपके सेक्शन 10 में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से prima facie there, there is a case of conspiracy which is going on now what is important here and what what uh, proof is relevancy of fact kis cheez ko prove karne ke liye diya ja sakta hai first ye ki there has been a conspiracy इससे related अगर कोई fact in issue या relevant fact या connected to that है तो उससे रिलेटेड आप uh, fact अगर प्रूव करते हैं तो वो relevant fact माना जाता है section 10 के अंतर्गत conspiracy related दैट देअर एग्जिस्टेड अ कॉन्स्परेसी उससे रिलेटेड अगर फैक्ट है तो उसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा या फिर द कॉन्स्पिरेटो कॉन्स्पिरेट इज अ पार्टी टू इट इज अ पार्टी टू इट उस पार्टी उस कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है वो पर्टिकुलर आदमी इससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है तो उसको भी रेलिवेंट माना जाता है आपके सेक्शन टेन में नाउ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ कॉन्स्पेरेसी से रिलेटेड या कॉमन डिज़ाइन से रिलेटेड जो आपका जो ये फैक्ट है रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन टेन ये ट्रायल शुरू होने से पहले की फैक्ट से को ही रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है एक बार ट्रायल शुरू हो चुकी है तो फिर वो कन्फेशन का मामला या फिर कुछ और इन रिलेशन टू कॉन्स्परेसी तब वो ट्रायल के टाइम पे अगर कोई अप्रूवर बन जाता है या एक्म्पलिस बन जाता है तो देर इज देर आर अदर प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट विच डील्स विथ इट अगर कोई को अक्यूज है वो का, वो कन्फेस्ट करेगा कुछ तो वो सेक्शन थर्टी के अंदर डील किया जा सकता है या फिर कोई एक्म्पलिस है जो कि जिस जो अप्रूवर बन गया है गवर्नमेंट के फेवर में कुछ आके आपको सबूत दे रहा है तो उसके लिए आपका सेक्शन 133 थर्टी थ्री रेड विथ सेक्शन वन हंड्रेड बी है जिसके टेस्टमनी को उन दोनों सेक्शंस के तुलना में उसको रीड विथ करके पढ़ा जाता है लेकिन अगर ट्रायल से पहले कुछ कॉन्स्परेसी से रिलेटेड ये कॉमन डिज़ाइन या कॉमन इंटेंशन को दर्शाता हुआ कोई फैक्ट है तो उसको हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं सेक्शन टेन में ठीक है मानिए कि एक ए ए एंड बी एक काइंड ऑफ कॉन्स्परेसी अग्रीमेंट एक पता चलता है कि देर इज़ अ कॉन्स्परेसी ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ठीक है जो कि आपका इलस्ट्रेशन है सेक्शन टेन में भी तो अब इसमें मान लेते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ए जो है वो इंग्लैंड से जाके कुछ बारूद इकट्ठा करता है या फिर जो सी है वो कैलकाटा में जाके कुछ ऑर्गेनाइज करता है रैलीज बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और उनको कुछ उस बात में प्रोवोक करता है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करें नाउ so ऑल दो अगर जो ए है जिसने बारूद इकट्ठा किया है वो सी को जाने या नहीं जाने उनसे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है वो कॉन्सपेरेसी को दर्शाता हुआ तो उसको हम रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं एक दूसरे को कॉन्स्परेटर जाने ना जाने इज नॉट इसेंशियल इन्ग्रीडियंट ऑफ सेक्शन टेन वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज़ द स्टेटमेंट और द फैक्ट इज़ रेलीवेंट एज स्टेटमेंट्स आंदर सेक्शन टेन दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सपेरेसी और द the दैट द पर्टिकुलर पर्सन party टू दैट conspiracy तो ये आपका हो गया सेक्शन टेन की बात अब आते हैं सेक्शन इलेवन में सेक्शन टेन सेक्शन इलेवन जो है वो दो तरह के फैक्ट्स को रेलिवेंट मानता है सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान देते हैं सेक्शन फाइव में हमने क्या पढ़ा था कि जो एविडेंस है वो फैक्ट इन इशू का का दिया जा सकता है ठीक है और दूसरा जो है वो रेलेवेंट फैक्ट का दिया जा सकता है ठीक है रेलेवेंट फैक्ट का दिया जा सकता है नाउ व्हाट इज़ नॉट अ रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट ऐसा हो कि जो ये दर्शाए कि वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है या रेलेवेंट फैक्ट से इनकन्सिस्टेंट है या फैक्ट इन इशू से वो पर्टिकुलर फैक्ट इनकन्सिस्टेंट है तो वैसा फैक्ट भी सेक्शन 11 में सेक्शन 11 में वैसा फैक्ट भी रेलेवेंट कहलाएगा तो सेक्शन 11 का आपका दो पार्ट है फैक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट फैक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू ठीक है इनकंसिस्टेंट है या फिर फैक्ट विच मेक्स विच मेक्स फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट highly probable highly probable or improbable अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि वॉट इज इनकन्सिस्टेंट फैक्ट फैक्ट विच इज इनकन्सिस्टेंट विद फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट कुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज आपका सेक्शन 11 में रेलिवेंट नाउ इसका एग्जाम्पल है प्ली ऑफ एलिबाई या ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्ली ऑफ एलेबाई का सेक्शन क्या है आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द जुडिशरी एग्जामिनेशन बीट एम पी जुडिशरी प्रलम्स बिहार जुडिशरी प्रलिम्स दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ़ द एग्ज़ामिनर्स प्ली ऑफ एल बी से रिलेटेड सेक्शन क्या होता है आपका सेक्शन एलेवन होता है ठीक है प्ली ऑफ एल होता क्या है प्ली ऑफ एल uh, ये कहते हैं कि मैं उस जगह पर वहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस में मौजूद ही नहीं था ठीक है इनकन्स्टेंट है फैक्ट इन से है मानिए कि ए ने बी का मर्डर किया ठीक है एंड ए के आ, A के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है और ए ने ऐसा सबूत दिखाया कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जिससे ये प्रूव होता है कि ए जो है वो उस वक्त पे चेन्नई में मौजूद था तो ये हो गया आपका ऑफ एलेबाई नाउ वॉट इज दिस वो चेन्नई में था ये क्या है इनकन्सिस्टेंट फैक्ट है इनकन्सिस्टेंट फैक्ट विथ फैक्ट इन इशू कि ए ने बी का मर्डर किया ए ने बी का मर्डर किया इस फैक्ट इन इशू नाउ ए एज सेंग कि ही वॉज नॉट इन एट द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द मर्डर ऑफ बी वेयर एज ही वॉज इन सम अदर सिटी एंड ही हैज़ प्रूफ ऑफ दैट नाउ ही इज़ टेकिंग द प्ली ऑफ एलेबाई एंड इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू ठीक है अब सेकेंड चीज़ देखते हैं फैक्ट विच इज़ हाईली विच मेक्स द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल ठीक है अब इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबैबल का मानिए कि जेल में ए बी सी डी ये चार लोग हैं ठीक है ए जो है उसको चेन किया गया है वो एक सेल में चारों बंद है ठीक है ए को जो है सिक्कड़ से बांध के रखा गया है ठीक है बी जो है बी जो है उसको पैरालिसिस मारा हुआ है ठीक है ही के नॉट मूव ही इज़ पैरालीज ठीक है डी का डेथ हो जाता है डी को किसी ने मार दिया ठीक है एक सेल में बंद है जेल के चार दीवारी के अंदर ए जो है उसको चेन किया गया है बी जो है उसको पैरालिसिस अटैक आया हुआ है डी का डेथ हो जाता है नाउ सी इज़ नॉर्मल तो इस कंडीशन में ये देख के क्या आपको लगता है प्राइमा प्राइमा प्राइमाफेसी ये इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट सी वुड हैव मर्डर्ड डी इन द सर्कमस्टांसिस बिकॉज बी के नॉट डू सो ही इज चेंज सॉरी ए के नॉट डू सो बिकॉज ही इज चेंज बी के नॉट डू सो बिकॉज ही हैज पैरालिसिस अटैक ही के नॉट मूव हिज बॉडी नाउ डी तो मर ही गया तो द पर्सन हु इज लेफ्ट इन द सेल इज सी तो उस पर्टिकुलर एक रूम में चार लोग बंद बने जिसमें से दो लोग दो लोगों का डी को मारना हाईली इम्प्रोबेबल है क्योंकि ए चेंड है और बी को पैरालिसिस अटैक है और सी का मान मारना हाईली प्रोबेबल है क्योंकि ही इज ऑफ गुड हेल्थ ही डज नॉट हैव एनी चेनिंग डन एंड दे वॉज ओनली वन पर्सन हु कुड डू हु कुड कॉज द डेथ ऑफ डी इन द सर्कमस्टांसिस सो इसका uh, जो है मर्डर में हाथ होना हाईली प्रोबेबल और इन दोनों का हाईली इम्प्रोबेबल ये हो गया आपका सेक्शन इलेवन का पार्ट टू जो कि इनकन्सिस्टेंसी से रिलेटेड है और हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल फैक्ट को डील करता है थैंक यू स्टेट यून